दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि छात्रवृत्ति का 1.5 लाख छात्रों में यूपी गवर्नमेंट ने यानी कि यूपी सीएम ने वहां पे छात्रों के अकाउंट में भेज चुके हैं। लेकिन अब गुड न्यूज़ ये है कि फीस भी माफ़ी का ऐलान हो चुका है। जी दोस्तों, अब फीस नहीं लगेगी। इन छात्रों की फीस माफ़ी की स्कीम क्या है, मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। और छात्रवृत्ति, कई सारे छात्रों को डाउट है किन की आई किन की नहीं, तो आपको मैं भी बताऊंगा। तो 1.5 लाख छात्रवृत्ति आई, तो मैं इस वीडियो में बात, कई सारे लोग कहते हैं सर मेरी नहीं आई, मेरी नहीं आई, ये वो फलानगान, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो मिल जाएगी कि छात्रवृत्ति किसकी आ रही है, किसकी नहीं आ रही है, कौन सी कैटेगरी आ रही है और फीस माफ़ी की क्या ऐलान हुआ है, क्या जो है उसकी स्कीम क्या है। देखो, पहले मैं आप बात करता हूँ छात्रवृत्ति। देखिए, छात्रवृत्ति वितरण के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी। आप देखो, इसमें आप समझो कि इसका प्रोसेस क्या है। देखो, छात्रवृत्ति कई सारे कह रहे थे सर मेरे नहीं आएगा और फॉर्म नहीं भरा गया, तो देखो छात्रवृत्ति अभी जूनियर की आ रही है, लेकिन कई सारे जो है प्रोफेशनल कोर्सेज की भी छात्रवृत्ति आने स्टार्ट हो गई। जैसे बीफार्मल स्टूडेंट हैं, उनकी भी एक दो छात्रों की कल स्कॉलरशिप हमें मिली है, इन्फॉर्मेशन उनकी आई है। लेकिन जहां तक अभी जनरली बात हो रही है, जनरली अभी जूनियर यानी कि दशमोत्तर की बात हो रही है, जैसे कि जो 5th क्लास में है या फिर 8th क्लास में उनकी बात हो रही, तो उनकी 1.5 लाख छात्रवृत्ति, जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको दिया होगा यहाँ पे कि यहाँ पे 1,51,000 छात्रों की 1,51,000 विद्यार्थियों खातों में छात्रवृत्ति भेजकर उनको जो है संबोधित कर रहे थे कौन, यूपी सीएम। उसके अलावा 4,400 करोड़ रुपए जो कि पता है आपको इस बार ज़्यादा मिलेगी। तो इस बार बता दो, जैसे कि आपको पता है कि इस बार इलेक्शन भी होने वाला है, तो इलेक्शन की वजह से आप मान के चलो आप सभी को कोई भी ऐसा नहीं बचेगा स्टूडेंट जिसकी स्कॉलरशिप ना है, क्योंकि 2022 में इलेक्शन है। तो आप सभी लोग ये मान के चलिए जिन छात्रों के 50% से भी मार्क्स हैं, यानी उनके इतने कम मार्क्स हैं तब भी उनको यूपी गवर्नमेंट इस बार जो है छात्रवृत्ति देगी। तो आपको अगर चाहते हैं किस तरह की अपडेट मिलती है, तो आप अभी जो है सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आप लोगों का काम है, देखो परेशान नहीं होना है, आप लोगों का काम है कि आपको सही से स्टेटस, सही से जो है फॉर्म भरना है, सही से रिन्यूअल करना है, कोई गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोग अपनी कैटेगरी और जो मार्क्स वगैरह है, सारी कॉलेज नेम, सारी कट ऑफ सनाफ जो कुछ है, उसको गलत फिल कर दोगे तो स्कॉलरशिप इसीलिए रुकती है। अगर आप सही फिलअप करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्कॉलरशिप इस बार 2022 में आने में। और हाँ, कैसे भरना है, रिन्यूअल कैसे करना है, मैं सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी 1-2 दिन में, तो वेट कर लो, आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं आज की स्कीम क्या है। देखो, जहां तक बात है यहां पे, देखो निजी स्कूलों में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, यानी जो जो छात्र हैं, यानी जो गर्ल्स हैं जो निजी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी अगर दो घर में दो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे दो बहनें पढ़ रही, तो उनकी एक बहन फीस माफ होगी। देखो, दो बहनों में से एक की फीस सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा, फीस माफी के लिए प्राइवेट शिक्षा संस्थानों से करेंगे बात और 1,51,000 छात्रों के खाते में भेजेगी स्कॉलरशिप, में बता चुका हूं। अब देखो इसमें क्या स्कीम है, इसमें दिया कि अगर निजी स्कूल इसके लिए तैयार नहीं होता है तो एक बहन की ट्यूशन फीस जो है गवर्नमेंट उसकी व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को लोकभवन में ये जो है बटन दबाकर 1,51,000 छात्रों को अकाउंट में स्कॉलरशिप भेजी, मतलब भेज चुके हैं 1.5 लाख छात्रों के अकाउंट में। 1.5 लाख बहुत होता है, 151,000 छात्रों, यानी कि 1,51,000 छात्रों के अकाउंट में स्कॉलरशिप आ चुकी है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो या फिर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उसमें मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द, तो आप लोग परेशान नहीं होना। हाँ, जल्दबाजी मत करना, अभी बहुत टाइम है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा वेट कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई डाउट मोटे कमेंट करके पूछ सकते हो, जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड या फिर चैलेंज वेलेशन और स्कूटनी का रिजल्ट अभी तक जिनका अपडेट नहीं हुआ, तो अभी अपडेट हो रहे हैं, रिजल्ट आ रहे हैं, आपको परेशान नहीं होना है, आप लोगों का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा।